लेकिन किसानों को और मजदूरों को, गांवों को इस बजट से दूर रखा गया। इस बजट में इनको पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। साथियों, जय किसान, मैं आपका रवि आजाद। साथियों, कल केंद्रीय बजट पेश हुआ, अमृतकाल का पहला बजट, सरकार ने इसे बताया, लेकिन किसानों को और मजदूरों को, गांवों को इस बजट से दूर रखा गया। इस बजट में इनको पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। 65% से ज्यादा आबादी खेती करती है, गांवों में रहती है। साथियों, अगर हम पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष के बजट की तुलना करें तो आंकड़े सब कुछ आपके सामने बयां कर देंगे कि सरकार की किसानों को लेकर के क्या नीति है। साथियों, पिछली बार खेती किसानी के लिए 1,51,521 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान था। अब की बार उसे 5% घटा करके 1,44,214 करोड़ रुपए किया गया। कुल बजट का 3.20% पिछले साल था, 3.84%। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पिछले साल प्रावधान किया गया 15,500 करोड़ रुपए का, अब की बार 12% घटा करके 13,625 करोड़ रुपए किया गया। किसान सम्मान निधि योजना के लिए पिछले बजट में 68,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, 13% घटा करके अब की बार 60,000 करोड़ रुपए कर दिया। इसी प्रकार से मनरेगा के लिए मजदूरों की भी पूरी तरह से अनदेखी हुई है। पिछले साल 73,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान था, 18% घटा करके 60,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, पिछले बजट में 10,433 करोड़ रुपए का प्रावधान था, उसको 31% घटा करके 7,150 करोड़ रुपए कर दिया गया। और कृषि उन्नति योजना के लिए पिछली बार 7,183 करोड़ का प्रावधान था, 2% घटा करके 7,066 करोड़ रुपए कर दिया गया। PSS MIS और जो PM आशा इंश्योरिंग MSP जैसी स्कीम है, उनके लिए कोई बजट का प्रावधान पिछले बजट के मुकाबले भी नहीं किया गया। यानी कि आंकड़े आप देखिए, और कुल बजट 5% अगर हम टोटल बजट का देखें तो पिछले साल के मुकाबले 5% बजट को घटाया गया है। यानी कि सरकार के केंद्र में ना किसान है, ना मजदूर है, ना बेरोजगार युवा है, ना गांव है, पूरी तरह से अनदेखी हुई है और केवल कॉरपोरेट्स के लिए बजट बनाया गया है। इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।